मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी खुदाबाद, 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेते हैं बीएसएनएल के जो ये कर्मचारी हैं यहाँ, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें? सर आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह तेवतिया, सर्किल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पश्चिम। सर आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर? हमारी पहली मांग तो है थर्ड पीआरसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/1/2016 से मिल गई है, पे कमीशन जो होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक अफोर्डेबिलिटी क्लोज डाल दिया है कि पीएसयू घाटे में चल रहा है इसलिए हम आपको नहीं देंगे। एक तो उसको लेकर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा, एक हमारा रोल बैक चाहते हैं, जो इन्होंने सबसे टावर कंपनी बनाई है, एक अलग से टावर कंपनी स्थापित करने जा रही है गवर्नमेंट, उसकी नीयत ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब्सिडी टावर कंपनी ना बने और जैसे टावरों की देखभाल हम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। तीसरा, हमारा पेंशन रिवीजन का मामला है, जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी ये पेंशन रिवीजन नहीं कर रहे हैं जो बीएसएनएल ऑप्टी हैं। जब हमारा इनसे टाई अप हुआ था, बीएसएनएल बना था डॉट से, तो इन्होंने ये कहा था कि जो नियम आप पे हम पे लागू होंगे वही नियम बीएसएनएल के कर्मचारियों पर लागू होंगे। और एक मांग हमारी ये है कि जो हमारी सेकंड पीआरसी के हमारे कुछ इशूज पेंडिंग हैं उनको भी ये नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है। और पेंडिंग सर ऐसे कौन कौन से इशूज जो पर्क्स हैं हमारे, कुछ जैसे भत्ते मिलते हैं, वो 3-4 तरह के भत्ते हैं हमारे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और कई तरह के भत्ते हैं, उनको इन्होंने लागू नहीं किया है अभी तक। तो इन सारी मांगों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कारण है कि जो बीएसएनएल है ये घाटे में जा रहा है और जो प्राइवेट कंपनियाँ आए हैं वो फायदे में है? इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है बीएसएनएल को घाटे में पहुँचाने का, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम ये खरीदते हैं उसमें हमें मुहैया नहीं कराते। जो हमारा पैसा था 38,000 करोड़ रुपये वो भी हमसे ले लिया है, और जो हम कंपनी लोन चाहती है गवर्नमेंट उसको लोन को नहीं लेने दे रही है। मतलब ये कुल मिला के इस बीएसएनएल को बर्बाद करने की मुहिम है। सर आपका नाम? सर्विस प्रोवाइडर है, बताओ। सर्विस जो है ना, प्रोवाइडर जो है। नहीं सर आपका नाम क्या? अंसार अली। इसे छोड़ छोड़ दो। मेरा नाम अंसार अली जी, सर्विस प्रोवाइडर यूपी वेस्ट जी। बताइए क्या मांग है आपकी? हमारी जो मांग है 15% फिटमेंट जो है, जो हमारा एम्प्लॉई है ग्रुप सी एंड डी बी जो है, उनका 15% फिटमेंट जो हमारा मिलना चाहिए था वो नहीं दे रही गवर्नमेंट जो है। और दूसरी, सब्सिडी टावर कंपनी बना रही है लोग, तो सब्सिडी टावर अगर कंपनी बना दी तो एक कंपनी टूट जाएगी, जैसे इन्होंने पिछले भी जो MTNL BSNL बनाया है, तो उससे ये सरकार चाहती है कि ये बंटवारा हो जाए तो कंपनी जो किसी लाला को बेच दी जाएगी। तो यही है इनकी, गवर्नमेंट की जो नीयत है वो ख़राब है। सर आपका नाम? मेरा नाम जयवीर त्यागी है। जयवीर त्यागी जी, क्या कारण है कि जो सरकारी अधिकतर डिपार्टमेंट है उसे गवर्नमेंट प्राइवेट की तरफ ले जाना? सर प्राइवेट की तरफ इसलिए लेना जा रही है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जियो के खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि बीएसएनएल उठाया जाए, सरकार ये नहीं चाहती कि बीएसएनएल तो सर्विस प्रोवाइडर है, गांव-गांव देहात में अपना पैसा खर्च करती है, एक एक कनेक्शन लगाती है। प्राइवेट कंपनियां वहाँ नहीं जाती है, प्राइवेट कंपनियां कहाँ जाती हैं? जहाँ मक्खन होता है। बीएसएनएल को यदि सरकार चाहे 2 दिन में ठीक कर देगी। बीएसएनएल में बहुत शिक्षित अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो 1/1/2017 से हमारा थर्ड पीआरसी जो हमें होना था उसको जान के टालम टोल करती जा रही है, इस बात से क्या मतलब है? जब एक तरफ तो कहते हैं कि आप घाटे में हो, यदि घाटे वाली बात करते हैं, जो हमारे कोई सर्विस देनी चाहिए इनको, जो प्राइवेटों को पहले दे देते हैं और बीएसएनएल को बाद में देते हैं, ये चाह रही है जान करके हमारी जो बीएसएनएल है वो माइनस में जाएं, इक्विपमेंट नहीं देते, उस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का किसी तरफ भी। एक तरफ कहते हैं कि सरकार हम बहुत ऊँची उठाएंगे बीएसएनएल को, अब बीएसएनएल हमारा है, दूसरी तरफ जियो के ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी बनते हैं, प्रधानमंत्री जी का ज़्यादा दिमाग जो है उधर चलता है, रिलायंस की तरफ, प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ। प्रधानमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि बीएसएनएल के टुकड़े होकर बेच दिए जाएं, इसके कर्मचारियों को बेघर कर दिया जाए, इसके कर्मचारी भूखे मर जाएं या फिर आत्महत्या कर लें, और हम थर्ड पीआरसी कर्मचारी लेकर रहेंगे चाहे हमें अब कुछ भी करना पड़े।